सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर्स हो तो आज की इस वीडियो में आपको तीन चार ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर वो ट्रिक्स को आप अपने वीडियो में फॉलो करते हो तो आपका यहाँ पे 100% वीडियो वायरल होगा। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अगर शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो वो वायरल नहीं होता। दोस्तों, मैं भी एक छोटा शॉर्ट क्रिएटर हूँ, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर जो है, मैंने बहुत दिन से मतलब लॉन्ग वीडियो ही अपलोड करता था, एंड यहाँ पे मैं दो तीन दिन से शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता था। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब कोई कोई व्यूज जो है जाता था, ज़्यादा जाता था, कोई बहुत ही कम ही जाता था। अब ये ऐसा क्यों हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप मतलब कैसे अपना शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। एंड दोस्तों, मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी फेक्स वीडियो वाले यहाँ पे चैनल है, आप अगर दूसरे का वीडियो उठा के अपना वॉइस डाल के उसमें अगर चैनल पे वीडियो अपलोड करते हो तो दोस्तों आप लोग को सतर्क होने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल को जो है डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि वो भाई लोग जो है स्ट्राइक दे देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मिस्टर फेक्ड वॉइस ये एक अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स वाले चैनल थे, जिसपे कि ये भी मतलब दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके अपनी वॉइस लगा कि वो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते थे, एंड उसका भी चैनल भाई का डिलीट हो गया स्ट्राइक आने की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो है थोड़ा सोच समझ के किसका वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, किसका डाउनलोड करके कर रहे हो, आपको थोड़ा सा सोच समझ के डाउनलोड करना है। ठीक, एंड आपको यहाँ पर जो है बहुत ही सतर्क होकर वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना लेट के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ना YT स्टूडियो आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अपना YT स्टूडियो पे आता हूँ, एंड यहाँ पर जो है मैंने तीन चार दिन से यहाँ पे शॉर्ट वीडियो डालना चालू किया हूँ, क्योंकि मैं पहले लॉन्ग वीडियो ही अपलोड करता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने अपना शॉर्ट वीडियो जो है मेरा अपना ये हो गया मेरा YT स्टूडियो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं अपना जो वीडियो पे आता हूँ, ठीक है, तो वीडियो पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लॉन्ग वीडियो भी बना रखा है, एंड यहाँ पे शॉर्ट वीडियो भी लगा रखा है। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना वीडियो है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने 12-13 कुल यहाँ पे शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको पहले व्यूज दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था इसमें 34 व्यूज आया था, ओनली 34, एंड सेकंड वीडियो डाला था यहाँ पे 544 व्यूज आया। उसके बाद दोस्तों अगर मैं शॉर्ट वीडियो डाला तो यहाँ पे मुझे 36 आया, फिर 104 आया, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे 4800 चला गया। अब दोस्तों ऐसा अगर क्यों हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो 4800, 56 व्यूज, 280 व्यूज, 1200 व्यूज, 10 व्यूज, कुछ इस टाइप से व्यूज आते गया, एंड कोई कोई वीडियो जो है मतलब 1000+ व्यूज ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सॉकेट हिमेश रेशमिया का मतलब साथ ही साथ वीडियो डाला हूँ जिसमें 4800 व्यूज है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आखिर क्यों हुआ, आखिर मतलब कोई कोई वीडियो जो है यहाँ पर ओनली 10 व्यूज, ओनली 12 व्यूज, एंड कोई कोई यहाँ पे 1000+ व्यूज गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप पहला टॉपिक्स तो यहाँ पे पहला ट्रिक्स तो ये बनता है कि अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो, अगर कंटिन्यू शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ पर व्यूज जाएगा ही जाएगा कोई ना। जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियो अपना अपलोड करते हो तो आपको करना क्या, यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना है। कम से कम अगर शॉर्ट वीडियो डालते हो तो एक दिन में 5 से 6 वीडियो अपलोड कर ही देना अगर शॉर्ट वीडियो डालते हो। लॉन्ग वीडियो का तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उसका जो है आपको वहाँ पे एडिट वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन दोस्तों अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें भी टाइम लगता है, बट शॉर्ट वीडियो जो आपको कंटिन्यू अपलोड करना है, एक दिन में लगभग 4-5 अपलोड कर देना है। इसी तरह से अगर आप महीने में इतना डालते हो, एक ना एक वीडियो आपका वायरल हो ही जाएगा, ये मेरा पूरा वादा है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपको पता होगा कि न्यू यहाँ पर अपडेट्स निकला है यूट्यूब में, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें 10 मिलियन व्यूज लाना पड़ता है, यानी 1 करोड़ व्यूज यहाँ पे आपको लाना है, तभी आपका जो है यहाँ पे शॉर्ट वीडियो मोनेटाइजेशन होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका मोनेटाइजेशन होगा तो यहाँ पर अप्रैल में जो है यहाँ पे 2023 में ये मतलब शॉर्ट वीडियो पर भी अब एड दिखाना चालू कर देगा। ठीक है, तो आप जितने भी क्रिएटर्स हैं, शॉर्ट क्रिएटर्स हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों अब आप लोग भी शॉर्ट वीडियो से जो भी पहले तो फंड मिलता था, लेकिन अब जो है आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली जैसे अपना लॉन्ग वीडियो में हम लोग को मिलता है, उसी तरह से आपको शॉर्ट वीडियो में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप शॉर्ट वीडियो में ऐसा करते हो एंड डालते हो वीडियो, कंटिन्यू अपलोड करते हो, तो दोस्तों आपका एक ना एक वीडियो जरूर वायरल होगा। एंड दोस्तों 3 महीना के अंदर आप अगर 200-300 वीडियो भी अपलोड कर देते हो तो आपका जो है मतलब बहुत ही मतलब एक ना एक वीडियो वायरल होगा, एंड आपका जो है 10 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। जैसे आपको देखते होंगे कि अभी जो है 10 मिलियन लाना पड़ता है शॉर्ट वीडियो को वायरल करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो आप अपना ये कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसके बाद एक ट्रिक्स और बताने वाला हूं मैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हो शॉर्ट वीडियो पर आना है, एंड यहां पर जैसे आप एनालिटिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो एनालिटिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पे टॉप कंटेंट पे देखो, जो यहां पे टॉप कंटेंट है इस पर अगर आप मतलब कंटिन्यू वीडियो बनाते हो तो अच्छे खासे व्यूज जाएंगे। एंड दोस्तों यहां पे हैशटैग वगैरह जो मतलब वायरल हैशटैग रहते हैं वो आपको यूज करना है। इससे क्या होगा कि दोस्तों जो हैशटैग मतलब वायरल होते हैं ना, वो मतलब आपके कंटेंट पर मतलब आपके जो वीडियो आप डालते हो उसका बहुत ही ज्यादा यहां पे वायरल होने का चांस रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पे हर एक दिन एक ना एक वीडियो आपको अपलोड करते रहता हूँ, एंड आपको यहाँ पे मिलते रहेगा न्यू वीडियो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।